आगरा के थाना बरहन के एसओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल कवरेज करने गए पत्रकार आजाद सिसोदिया को बरहन एसओ उदयवीर सिंह ने अभद्रता की है। पत्रकार का मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट किया है। बताया जाता है कि एसओ बरहन ने घटना से पत्रकार को गुमराह किया था, कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ बता रहे हैं तो मेरे पास आओ, बैठ कर बात करते हैं। पीड़ित पत्रकार ने पत्रकार साथियों के साथ एसीपी एतमादपुर से शिकायत की है। एसीपी एतमादपुर पीयूष कांत राय ने मामले की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई की बात कही है। दरअसल एसओ बरहन को लाइन हाजिर करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने एसीपी से शिकायत की है, अपना प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारी को सौंपा है। दरअसल एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार हर हालत में पत्रकारों को सपोर्ट देने की बात करती है, तो वही दूसरी तरफ पुलिस अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। और अगर पत्रकार कोई भी कवरेज करने के लिए जाते तो इस तरह की घटना आम बन चुकी है, क्योंकि सरकार कोई भी उपाय कर ले, लेकिन एसओ उदयवीर सिंह जैसे पुलिस अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे पत्रकारों को परेशानियां होती हैं। क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि सच्चाई को छुपाया जाए, सच्चाई को दिखाया ना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पुलिस सिस्टम पर खड़ा हो रहा है। इसको लेकर आज एतमादपुर के सभी पत्रकारों ने मिलकर एसीपी एतमादपुर से शिकायत की है और एसओ पर कार्रवाई करने की मांग की है। आजाद सिंह सिसोदिया नाम है मेरा और मैं एक आगरा के टीवी चैनल से पत्रकार हूँ। और घटना मेरे साथ थाना बरहन क्षेत्र में, मैं एक कवरेज करने गया था तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं उदयवीर सिंह, उन्होंने मेरे हाथ से कवरेज करते समय मेरा मोबाइल छीन लिया और मोबाइल छीनने के बाद में एक महिला कांस्टेबल को दिया कि इनके मोबाइल से जो इन्होंने घटना के जो इसके वीडियो बनाए हैं वो वीडियो डिलीट कर दो और इनका व्हाट्सअप डिलीट कर दो और इनके फ़ोन में जो भी डेटा है वो सब डिलीट कर दो। और थाने के बाहर से मैंने वीडियो बनाए थे, जो थाने के बिल्कुल बाहर रोड से, जबकि मैं थाने के अंदर तो गया भी नहीं था, और बाहर के बोर्ड के विजुअल बनाए थे। उनका कहना था कि आप थाने के विजुअल नहीं बना सकते हैं। फिर क्या हुआ, मोबाइल आपको दे दिया, क्या कहेंगे? मोबाइल मुझे दिया नहीं था, मोबाइल ऐसे ही टेबल पे फेंक दिया था। वो तो मोबाइल मैंने बाद में ले लिया और अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर रहे थे और इस तरह से बोले आपके ऐसे पत्रकार जाने कितने आए कितने चले गए और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मोबाइल से पूरा डेटा डिलीट कर दिया, मोबाइल में जो भी डेटा था मेरा, मेरी आज की कवरेज, पहले की कवरेज है और बाकी का मेरा व्हाट्सअप डिलीट कर दिया। उसमें एक ऐसा लिंक लगा दिया कि मैं उसको ऑन कर रहा हूँ तो उस पर एक वीवो मोबाइल पर उसका OTP जा रहा है और उससे मेरा व्हाट्सअप भी नहीं चल पा रहा है। इसकी शिकायत मैंने यहाँ पे जी ACP एतमादपुर को भी की है और मैं इसकी शिकायत तो DCP एतमादपुर को भी करूँगा और हो सकता है DCP आगरा को करूँगा और इसकी शिकायत मैं आपका लखनऊ तक, मुख्यमंत्री तक जाऊँगा और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाऊँगा, ऊपर तक इसकी लड़ाई को लड़ूंगा। लेकिन इन्हें जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा और मैं इनके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी भी, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं कार्रवाई करता रहूँगा। जी, कार्रवाई की मांग। ये बरहन थाने के रहने वाले पत्रकार हैं सी न्यूज़ के, आज़ाद सिंह सिसोदिया जी, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना बरहन में किसी मामले में कवरेज करने गए थे जिसमें उनके साथ अभद्रता की गई है। एसओ और किसी एक महिला कांस्टेबल द्वारा मोबाइल ले लिया गया और उसमें कुछ जो वीडियो थे उसको डिलीट किया गया। इस संदर्भ में जाँच की जा रही है और पत्रकार संगठन से भी कई सारे लोग आए थे जिन्होंने प्रार्थना पत्र ज्ञापन के रूप में दिया है जिसपे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।